आजकल हम सब देख रहे हैं, लोग मास्क लगा के मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जब मास्क उतारते हैं भाई, तो सामने वाला चौंक जाता है या भाग जाता है। ऐसे ढेर सारी वीडियो हम सोशल मीडियाज में देखते हैं, लेकिन उन वीडियोस को एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया गया है। लेकिन अगर हम गौर से उन वीडियो को देखें तो उसमें भी कुछ समझने और सीखने वाली बातें हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस। जब तक मास्क है तब तक है, कहते हैं यू कैन से टेम्परेरी कॉन्फिडेंस या मास कॉन्फिडेंस। जब तक मास्क है कॉन्फिडेंस है, जो मास्क लगाने के बाद मिलती है। क्या आप भी मास्क में कॉन्फिडेंस फील करते हैं? राइट। एडमी परिवार के सभी प्रिय सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एडमी इंडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज एडमी वन डे सेमिनार में मुझे प्रोडक्ट सेशन का मौका मिला और आप सबसे जुड़ने का। कहते हैं अच्छे काम और दिन की शुरुआत मीठे से होना चाहिए, मिठाई से। राइट। हम शुरुआत करेंगे एडमी के बॉडी लोशन के साथ। आप सोच रहे होंगे मैं ये बॉडी लोशन खाने वाला नहीं हूं, लेकिन अब आप देखिए, जब हम मीठे मिठाई की बात करते हैं तो खाने का मन करता है, राइट, और मुंह में पानी सा आ जाता है। वैसे ही जो हमारा जो बॉडी लोशन है, अगर आप हाथ में लेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया है, जैसे कि आप देखते हैं मेरे हाथों में, ऐसे देखिए पिघल गया है ये पूरा। अब इसको आप, ओ अगर आपके आसपास में अगर आपके पास है तो आप लगाइए प्लीज। फिर आप इसको सर्कुलर मोशन पे हाथ पे ऐसे कीजिए, फिर अपने त्वचा में लगाइए, लाइक हाथों में लगाइए। फिर उसके बाद का जो फ्रेग्रेंस है बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है, खाने का मन करता है, लेकिन खाएगा नहीं, मैं भी नहीं खाता हूँ। इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा जो प्रोडक्ट सेशन है। मास कॉन्फिडेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। जब तक जब हम मास्क लगाते हैं राइट, तो हमारे आंखें दिखती है। अगर हम आसपास, हमारे आसपास हमारे देखे, हमारे प्रियजनों को देखे, और अगर हम खुद को देखें आईने में, तो विजिबल स्किन प्रॉब्लम्स दिखती है। किसी किसी का कम दिखता है, किसी का ज्यादा दिखता है, राइट। और इन स्किन प्रॉब्लम्स को सही वक्त पे अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो वो बड़ा होते जाता है और अंत में पूरे मुंह में नक्शा सा बन जाता है। फिर क्या, जब आप अपने आप को खुद को देखते हो तो आप खुश नहीं होते हो, राइट। तो इसीलिए, और ये जो हमारा फेस और नेक का एरिया होता है, ये सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है जब हम लोगों से मिलते हैं, तो ये प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो इसीलिए इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारे पैसे लगेंगे और मन की चाह, जैसे कि अच्छा स्किन, अच्छा दिखना को दबा लेते हैं अपने दिलों में खर्चे के डर से। कोई नहीं चाहता कि, कौन नहीं चाहता राइट, कि सुंदर दिखे, अच्छा लगे। अगर मास्क की जैसे, और ये खर्चे के डर से जैसे कि हम मास्क लगाते हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग अपने दर्द को, दर्द भरी मुस्कान में अपने फेस को लगा लेते, जैसे हम मास्क लगाते। आप एक चीज सोचिए, अगर आप खुश नहीं हैं, क्या आपका परिवार खुश होगा? क्या आपका दोस्त खुश होगा? क्योंकि सुबह हम जब उठते हैं तो सबसे पहले हम आईने में अपने आप को देखते हैं। आप सोचिए एक बार, आप अपने आप को सुबह में उठ रहे हैं, आप मुंह धो रहे, आईने में अपने आप को देख रहे हैं, फिर आपका मुंह जो है एकदम अच्छा, स्पॉटलेस, एकदम बहुत सॉफ्ट स्किन के साथ आप अपने आप को सुबह में देख रहे हो, तो आपको कैसा महसूस हो? अच्छा महसूस होगा, और पॉजिटिविटी क्रिएट होता है। जब हम खुश होते हैं तो अपने आसपास के लोग भी खुश रहते हैं, तभी काम भी अच्छा जाता है, दिन भी अच्छा जाता है कि नहीं? एटमी के द्वारा
हमें एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट एब्सोल्यूट प्राइस में उपलब्ध है और उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और इसके साथ ही एक अच्छा रेसिडुअल इनकम भी है, इन अच्छे इनकम के साथ अच्छा स्किन, राइट। सो मैं और मेरा परिवार एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस प्रोडक्ट का भरपूर फायदा उठाते हैं और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। आज की जी जो प्रोडक्ट सेशन है, जो मैं खुद स्किन के रूटीन को जो फॉलो करता हूँ, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तकरीबन मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं मेरे और घर पे, सारे प्रोडक्ट आप कह सकते हैं यूज किए हैं। और लेकिन आज इस सेशन में मैं खास तौर से तीन प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूंगा, वो है एरेमी इवनिंग केयर सेट, जैसे कि डीप क्लेंसर है इसमें, पीलिंग जेल, पील ऑफ मास्क और फोम क्लेंसर। और दूसरा प्रोडक्ट जो मैं बात करूंगा वो है एरेमी डफेन। मैं पांच प्रोडक्ट है वो बारी बारी में जाएंगे। और जो तीसरा प्रोडक्ट होगा आज का वो है सनस्क्रीन, जो बेच और व्हाइट में आता है, जो दो प्रकार की कलर, द बेच एंड व्हाइट। अब आप देखिए, जो अब हम शुरू करेंगे, जो बारी बारी से जानेंगे, जो इस सेशन में मैं आपके साथ अपना जो सीक्रेट है आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है। जैसे कि जो लोग योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उनको पता रहता है कि इनको जब एक्सरसाइज करते हैं तो ट्रेनर्स भी सिखाते हैं, जैसे कि आप बाइसेप्स बना रहे हो अपना, अपना बाइसेप्स बना रहे हो, जब आप बाइसेप्स बना रहे हो, वेट को उठा रहे हो, तो आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपके बाइसेप्स के मसल्स पे और प्रोसीजर के हिसाब से आपको डंबल उठाना चाहिए, राइट, या वेट उठाना चाहिए। अगर आप बाइसेप्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं मार्केट में है या कहीं और में है, तो जो रिजल्ट्स मिलेगा वो पूरे तरह से नहीं मिलेगा। वैसे ही उसी लॉजिक के साथ ही हमारा जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आप जो अपने फेस पे लगा रहे हो, ये जरूरी है कि हमें जाना, ये जरूरी है कि जो हम लगा रहे हैं उससे हमें क्या फायदा होगा और हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, राइट, तभी उस जो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। और इससे क्या होता है, मैं क्या करता हूँ कि जब भी प्रोडक्ट लगाता हूँ तो उसकी जो इसमें मेरे स्किन को ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, मैं अपने आप अपने मन में रटते रहता हूँ। इसमें क्या होता है कि मैं अपने आप को रिमाइंड करता हूँ और जो सारे प्रोडक्ट्स डिटेल्स होते हैं वो फिंगर टिप्स में रहते हैं, राइट। तो अभी हम बात करेंगे इवनिंग केयर सेट की। तो ये आप जो इवनिंग केयर सेट देख रहे हो, ये एक्चुअली ये हर स्किन केयर प्रोडक्ट का बेस लाइन होता है। अगर हम ये बेस लाइन को नहीं करेंगे तो कोई भी अच्छा प्रोडक्ट हम अपने फेस में लगाएंगे तब भी उसका रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, आप अपने आसपास देखिए, जरूर चार दीवारें दिख रही होगी ना, सो मेरा भी वही है। सो क्या अगर हम सोचे कि जो दीवारें हैं अगर हम उसको पेंट करते हैं, नए पेंट करते हैं इसको, तो पेंट लाके हम सीधा जो अभी कलर है दीवार का उस पर नहीं लगाएंगे। अगर हम लगाते भी है तो उसका कलर जो है निखर के नहीं आएगा। तो जो बिल्डिंगों में काम करते हैं, जो ये सब काम करते हैं, उनको पता है वो क्या करेंगे, पहले पेंट को निकालेंगे, उस दीवार को साफ करेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, प्राइमर लगाएंगे, उसके बाद पट्टी करेंगे, एक कोट, फिर सेकेंड कोट, फिर बाद में आता है कलर, फिर कलर को भी फिर बाद में डबल कोटिंग जाता है मेरे ख्याल से। तो ये सब इतने सारे चीजें होने के बाद ही दीवार जो है निखर के आता है। वैसे ही हमारा जो फेस है, आप सोचिए अगर आप सीधा कलर लगा लोगे, जो अच्छी अच्छी प्रोडक्ट है हमारी, और अगर स्किन को प्रेप नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा से नहीं आएगा। तो इसीलिए तो हमारा जो इवनिंग केयर सेट है वो हमारा स्किन को तैयार करता है,
प्रेप करता है, और जब वो प्रेप हो जाता है तभी हम उस पे जो प्रोडक्ट्स है उसको लगाते हैं। तो हम बारी बारी से जाएंगे। तो जो मैं स्लाइड शेयर करता हूं, जो पहला स्लाइड है, यू आर नेवर टू ओल्ड टू लुक यंगर, आप युवा दिखने के लिए कभी बूढ़े नहीं हो, राइट? सो ये एक बहुत अच्छी कहावत है, आप ट्राई कर सकते हैं प्रोडक्ट में। अब हम बात करते हैं डीप क्लेंसर की, जो हमारी जो ये डीप क्लेंसर है ये क्या करता है हमारे स्किन के लिए। छोटी छोटी बातें, पॉइंटर्स पे हम बात करेंगे आज। ये क्या करता है कि ये हमारा मेकअप को रिमूव करता है और ये जो हमारे पोर्स होते हैं उसको क्लीन करता है, और इसके साथ ही फर्म स्किन देता है, क्लियर स्किन टोन देता है, ग्लॉसी स्किन देता है। आप देख सकते हैं कि फर्म स्किन किस लिए हो रहा है, जिनसेंग एक्सट्रैक्ट, गिंको एक्सट्रैक्ट है इसमें, जो एंटी एजिंग का भी काम करता है, और जो क्लियर स्किन टोन है, जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जो और जो ग्लॉसी स्किन है, जो कैरेट एक्सट्रैक्ट और टोकोफेरोल एसिटेट, जो विटामिन ई, ये सब फायदेमंद देता है। अब आप देखिए कि जैसे कि हम डीप क्लेंसर के बारे में बात कर रहे थे, ये क्लेंसर है ये, और ये है ऑयल बेस। अब आप देखिए, जैसे कि आपने अपने फेस पे ये लगा लिया, थोड़ा सा लगा लिया, ये आपको दिखा रहा हूं, आपने इसको अपने फेस में अच्छी तरह से ऐसे लगा लेना है। जब आप लगाते हैं, जब मैं क्या करता हूँ कि जब मैं ऐसे ऐसे लगाता हूँ अपने फेस में लगाता हूँ, तो ये डीप क्लेंसर ये क्या करता है, ये मेकअप रिमूव करता है, पोर्स को क्लियर करता है, फर्म स्किन देता है, क्लियर स्किन टोन देता है, और ग्लॉसी स्किन देता है, राइट? ये अपने आप को मैं रिमाइंड करते रहता हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये लगा दिया तो ये थोड़े व्हाइट व्हाइट नजर आ रही है मुझे, राइट? ये आपको थोड़ी देर रखने हैं अपने फेस में, तो वो अपने आप वो है ट्रांसपेरेंट बन जाता है। वो ट्रांसपेरेंट बनने के बाद आपने थोड़ा सर्कुलर मोशन में पूरे फेस में अच्छी तरह से ऐसे मसाज कर देना है। रीजन वाई बीइंग, जब आप मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जब हम मसाज करते हैं तो जो हमारा एपिडर्मल स्किन होता है वो रिलैक्स हो जाता है, और हमारा स्किन को तैयार करता है बाकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। जो हम टोकोफेरोल की बात कर रहे थे, वो विटामिन ई, उससे क्या होता है, मॉइस्चर रिटेन होता है और ग्लॉसी स्किन होता है। देखिए आप अभी देख सकते हैं, ये देखें पूरा ये लिक्विडी हो गया, राइट? अब आप इसको अपने फेस में ऐसे ऐसे, यहाँ पे नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप फेस समझिए इसको, आप इसको ऐसे 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 कीजिए और अच्छी तरह से अपना जो मेकअप है ये सब रिमूव कीजिए, और इसको आप पानी से भी धो सकते हैं, नहीं तो आप कॉटन यूज कर सकते हैं, टिश्यू यूज कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से निकालिए। ये जो ये ऑयल बेस है, तो क्या होता है कि जब हम अपना मुंह धोते हैं, तो कभी कभार इस एरिया को भूल जाते हैं, और जब हम अपना क्रीम लोशन सब लगाते हैं तो फिर उसी को ही निकाल के मुंह में लग देते हैं। इसीलिए बहुत बार कंप्लेंट्स भी होता है कि इवनिंग केयर सेट यूज करने के बाद मेरे पिंपल्स निकल गए या ब्रेकआउट्स हो गया, ऐसा ना। तो एक्चुअली ये जो मैंने अभी टिप्स बताई हैं, जो जो लोग बहुत गलतियां करते हैं इसमें, जब आप डीप क्लेंसर को यूज करेंगे तो अच्छी तरह से अपना फेस को धोएंगे, और वो फेस धोने के लिए हमारा जो नया नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है, या आप देख सकते हो ये जो स्टेप्स है जो मैंने आपको भी बताया था, ये है फोम क्लेंसर। अब ये फोम क्लेंसर है, वो पहला वाला डीप क्लेंसर, अब ये फोम क्लेंसर, ये दो क्लेंसर है, पहला वाला ऑयल बेस था, अब ये फोम क्लेंसर हमारे स्किन में, त्वचा में क्या करता है, ये क्लीन पोर्स करता है, और आधे जो स्किन के रेसिड्यूज है उसको भी क्लीन करता है। और इससे हमें क्या क्या उम्मीद करनी चाहिए, हाँ, तो ये मेकअप रिमूव करता है, क्लीन स्किन देता है, और हाइड्रेटेड फिनिश देता है। हाइड्रेटेड फिनिश, तो ये तीन चीजें जब आप यूज करेंगे तो आपको याद रखनी है, मेकअप रिमूवर, क्लीन स्किन एंड हाइड्रेटेड फिनिश जब आप यूज करेंगे, हाँ। और एक और गलत जो लोग करते हैं, बहुत बार मैंने देखा है, ये फोम क्लेंजर है, हाथ में ले लिया, उसके बाद ऐसे थोड़ा देर करके मुंह में ऐसे ऐसे नहीं करना है, जो हम पहले करते थे, हाँ, पहले ऐसे करके मुंह में ऐसे ऐसे नहीं करना है,
ये है वेरी हाई कंसेंट्रेटेड है ये, तो इसलिए इसका नाम ही फोम क्लेंसर लिखा गया है इसमें, फोम फोम। तो हमने थोड़े बहुत हाथ में लेनी है, और इससे पहले हमने डीप क्लेंसर यूज किया था तो वो है ऑयल बेस, तो क्या होता है कि हमारे हाथों में ऑयल आ जाता है, राइट। अगर आप ऑयल को अच्छी तरह से क्लियर नहीं करेंगे तो फोम नहीं बनेगा। तो इसलिए आप अपना हाथ को भी अच्छी तरह से धोइए, उसके बाद ये फोम क्लेंसर को अपने हथेलियों में लीजिए और उसके बाद आप उसको फोम बनाइए। अगर आप ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो फोम बनेगा, फिर वो फोम को लीजिए, वो फोम जो है हाईली कंसेंट्रेटेड होता है। जब आप इसको ऐसे करते हैं तो जो अम्यूनो एसिड्स होता है वो फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आप उसको अपने फेस में लगाइए और अच्छी तरह से इस एरिया को हमेशा याद रखिए, आप नेक में भी कर सकते हैं, फिर अच्छी तरह से आप उसको धो सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो हमारा है पीलिंग जेल, पीलिंग जेल के बारे में हम बात करेंगे। यह है पीलिंग जेल, तो ये एक्सफोलिएट करता है और स्किन को प्रिपेयर करता है बेटर एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं डेड स्किन सेल्स, हमारे स्किन से भी डेड स्किन निकलते हैं, डेड स्किन के साइकिल्स भी है एज के मुताबिक, और रेडियंट स्किन देता है और ये सीबम कंट्रोल करता है। जैसे कि कोई कोई का जो फेस होता है बहुत ऑयली होता है, वो ऑयल कहाँ से आता है, राइट, वो हमारे स्किन से आता है। तो ये सब जो होता है वो बैलेंस करता है, ये हमारा जो पीलिंग जेल है ये सीबम कंट्रोल में भी काम आता है। तो ये तीन चीजें हमें याद रखनी है पीलिंग जेल में, जो हमें फायदे करती है। डेड स्किन को निकालता है क्योंकि इसमें जो सेलुलोस है जब हम उसको रोल करते हैं ना तब उसमें आ जाता है, और रेडियंट स्किन और सीबम कंट्रोल। अब इसका जो यूज करने का तरीका है, ये जेल बेस में है, आप अपने मुंह में लगा लीजिए, और एक बार आप ध्यान रखिएगा कि जब ये आप यूज करते हैं तो ह्यूमिड एरिया, जैसे कि रूम बहुत गर्म है बहुत ह्यूमिड है तो उसमें भी ये जो प्रोडक्ट है टाइम लगता है, क्योंकि जो मास्क होता है उसको भी सूखने में टाइम लगता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे आप रहिएगा। और इसको आपके मुंह में अच्छी तरह से फैला दीजिए इसको, और शुरुआती दिनों में जैसे कि जो आप अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो इसको लगाने के बाद ज्यादा रब ना कीजिएगा क्योंकि आपका स्किन प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे आप हफ्ते में एक बार दो बार तीन बार चार बार या रोज भी कर सकते हैं, तो लेकिन आप शुरू शुरू में ज्यादा रब मत कीजिएगा, आप पूरा अपने फेस में फैला दीजिए इसको, 2 से 3 मिनट तक रखिए, फिर आप इसको ऐसे करके सर्कुलर मोशन में आप ऐसे ऐसे करके सर्कुलर मोशन में आप इसको रब कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो डेड सेल्स है वो निकलेगा। उसके बाद आप पानी में धो सकते हैं उसको अच्छी तरह से, दूसरा फेस वॉश यूज करने का जरूरत नहीं है, आप पानी में धो सकते हैं। और उसके बाद है जो द लास्ट स्टेप जो हमारा जो आता है वो है पील ऑफ मास्क। ये जो मास्क, ये मास्क होता है ये क्या करता है कि ये मिनिमाइज पोर्स करता है फर्म एंड काम स्किन। और इसके जो तीन फायदेमंद जो हमें स्किन को देती है, जो है पोर्स जो होते हैं केयर करता है, ये हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को केयर करता है और प्यूरिफाई स्किन बनाता है। ये जब आप करेंगे तो आप ऐसे जब आप लगा के बैठेंगे तो आप मन में ऐसे सोच सकते हैं कि ये पोर केयर करता है, इलास्टिसिटी बनाता है, प्यूरिफाई स्किन करता है। और जब आप इसको लगाओगे, जो पील ऑफ मास्क को जब आप लगाओगे तो कम नहीं लगाना है। जब कोई आप बहुत पतला लगाओगे तो क्या होगा कि निकालने में भी बहुत मुश्किल होता है, और जो उसको काम करना होता है वो भी नहीं होता, इतना ज्यादा भी नहीं लगाना है। एक हद तक जैसे मास्क की परत जो होता है उसी के हिसाब से आपको लगा लेना है। अब आप देखिए कि हमने तीन चीजों को हमारे, जैसे कि हमने डीप क्लेंसर किया, फोम क्लेंसर किया, पीलिंग जेल किया, अभी तक हमारा स्किन जो होता है बहुत एक्टिवेटेड हो जाता है और जो पोर्स को क्लीन करते हैं तो पोर्स ओपन हो जाता है, इसलिए ये जो पील ऑफ मास्क है ये बहुत जरूरी है। अगर आप सोचिए कि आपने अपना घर खोल के छोड़ दिया तो क्या हुआ, चोर भी घुस सकते हैं, राइट। वैसे अपना जो पोर्स है अगर आप खोल के छोड़ेंगे तो उसमें बहुत सारी गंदगी भी जा सकती है और प्रॉब्लम निकल से आ सकता है, इसीलिए आपको ये सब प्रोसेस करने के बाद लास्ट में ये पील ऑफ मास्क करना बहुत जरूरी है ताकि आपका जो पोर्स है वो वापस से बंद हो सके और जो इलास्टिसिटी फर्मनेस भी मिलेगा। तो ये था हमारा जो इवनिंग केयर सेट, इसको 365 डेज होम स्पा भी बोलते हैं क्योंकि
सेम प्रोसीजर। आप बाहर जाके 1500 2000 में करवाते हैं, आप अगर आप देखेंगे तो यही प्रोडक्ट आप कई बार फैमिली के साथ मिलके आप तकरीबन फ्री के हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। तो इसीलिए आप इस इवनिंग केयर सेट का जरूर इस्तेमाल कीजिए, और कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले आप ये इवनिंग केयर सेट से अपना स्किन को प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि आप सोच रहे कि अगर मैं ये प्रोडक्ट यूज करूंगा 3 महीने और 3 महीने में मुझे अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, और आपने इवनिंग केयर यूज नहीं किया तो क्या पता रिजल्ट जो आप अपेक्षा कर रहे हैं वो ना मिले। तो आप इवनिंग केयर के साथ अगर आप यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब नेक्स्ट है जो हम बात करेंगे, एरमी स्किन केयर द सिस्टम द फेम, जो है अनफेडिंग ब्यूटी अनफेडिंग रेपुटेशन, ना मुरझाने वाला सुंदरता और ना मुरझाने वाला प्रसिद्धि। तो इसमें 5 प्रोडक्ट आते हैं। द फेम टोनर आता है 150 ml का, द फेम लोशन 135 ml, द फेम एसेंस आता है 50 ml का, न्यूट्रिशन क्रीम आता है 50 ml का, आई क्रीम आता है 40 ml का। आई क्रीम 40 ml, मैं जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत आई क्रीम के लिए 40 ml बहुत होता है। अब आइए हम देखते हैं कि एक बारी बारी से जब मैं इसको यूज करता हूँ द फेम सेट को, वैसे तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ, एब्सोल्यूट सेट जो एटमी के सारे बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो मैंने क्या क्या हर जगह रख लिया और मैं यूज करते रहता हूँ क्योंकि मेरा मन बहुत करता है। तो अब देखते हैं कि द फेम का जो फुल फॉर्म है वो है फेस एडवांसमेंट मॉर्निंग इवनिंग, आप सुबह शाम भी लगा सकते हैं इसको। अब द टोनर, टोनर जब मैं लगाता हूँ तो अगर मेरे को ही पता नहीं है मेरे फेस में क्या करेगा तो आप सोचिए। तो जब मेरे को पता है कि ये टोनर मेरे फेस में क्या काम करता है, जब टोनर सबसे पहला जाना चाहिए क्योंकि ये क्या करता है कि इंस्टेंट मॉइस्चर देता है, हाइड्रेट करता है और सूदिंग इफेक्ट देता है। जो पीएच लेवल होते हैं, जो हमने अभी इतने सारे प्रोसेस कर लिए, मुंह धो लिए, तो हमारा जो पीएच लेवल होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, राइट? तो पीएच लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, तो ये जो टोनर है ये उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो आप आपसे आप जान गए कि टोनर एक्स्ट्रा मॉइस्चर देता है, हाइड्रेटिंग देता है और पीएच लेवल को मेंटेन करता है। और अब दूसरा है आई क्रीम, जो है सिंपल सा है, टोटल रिंकल केयर फॉर आईज एंड फेस, क्योंकि आईज के एरिया में आप देखेंगे यहाँ पे झुर्रिया बहुत जल्दी रहते हैं यार, डार्क सर्कल्स ये सब ना, तो आप लीजिए और ऐसे 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 डैप कीजिए। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो आई क्रीम है इसका ये जो डब्बा होता है वो ऐसे होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम खोलते हैं फटाफट, उंगली डाल देते हैं और ऐसे 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 करते हैं, राइट? आप सोचिए हमारे जो उंगलियों उंगली होती है उसमें भी बहुत सारे कीटाणु होते हैं। आप डाल दिए, आप अकेले यूज कर रहे हैं तब भी आप उंगली मत डालिए इसमें, आप हाथों का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि हाथों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो जो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट्स को भी खराब कर सकते हैं। अगर आप 2-3 फैमिली में मिलकर यूज कर रहे हैं तो और खराब है क्योंकि आपके उंगली का जो बैक्टीरिया वो भी जाएगा, दूसरे का भी जाएगा। तो द बेस्ट क्या होता है कि आप स्पेचुला यूज कीजिए, जो मार्केट में मिलती है ऐसे स्पेचुला, आप यूज कीजिए ऐसे स्पेचुला और उसको ऐसे स्पेचुला से निकालिए, हाथ पे रखिए और यूज कीजिए। तो ये हो गया, जैसे कि हमारा जो न्यूट्रिशन क्रीम है वो भी है ऐसा वाला ढक्कन वाला, तो इसीलिए आप स्पेचुला यूज कीजिए। अगर घर पे स्पेचुला नहीं है तो आप फोक का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आप निकाल के यूज कर सकते हैं। और दूसरा है एसेंस, तो ये जो एसेंस है ये क्या काम करता है, ये डिलीवर न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स है अंदर तक हमारे स्किन के अंदर तक जाके ये जो काम करता है इसको डिलीवर करता है। और दूसरा है लोशन, ये लोशन क्या काम करता है, तो ये लोशन है एनहेंस जो स्किन जो बैलेंस करता है वाटर और ऑयल को, जैसे कि हमारा, जैसे कि मैंने बोला कि सीबम जो वर्ड है जो हमारा फेस में ऑयल लेवल वाटर लेवल होता है, तो ये लोशन क्या करता है, ये इसको बैलेंस रखता है। तो और लास्ट में हमारा न्यूट्रिशन क्रीम, और ये न्यूट्रिशन क्रीम क्या करता है, ये है
हमारे स्किन को फर्म और जो मॉइस्चर है, क्योंकि आप सोचिए अगर हमारे स्किन से मॉइस्ट निकल जाएगा तो क्या होगा, सूखा रूखा हो जाता है, तो ये नो न्यूट्रिशन क्रीम उसको रिटेन करने में मदद करता है। तो ये जो है आप सोचेंगे कि मुझे ये क्या, जो एटमी द फेम सेट है उसमें 5 प्रोडक्ट है, क्या सारे मुझे यूज करने चाहिए? देखिए हमारे 5 उंगलियां हैं, आप अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ कर सकते हैं। आप अपने उंगली एक उंगली को पकड़ लीजिए और चारों उंगलियों से कुछ सामान उठाइए, राइट? थोड़ा दिक्कत होता है, राइट? तो हर उंगली का अलग अलग काम होता है, वैसे ही हर प्रोडक्ट्स के, इवन फेम के बारे में बात नहीं कर रहा, सारे प्रोडक्ट्स के जो सेट में होते हैं उसके अलग अलग काम होते हैं। तो इसलिए पूरा सेट में यूज करना बहुत जरूरी होता है। अब हम देखेंगे जो हमारा है सनस्क्रीन, जो हमारा एटमी सनस्क्रीन है, जो जैसे कि बेज में और व्हाइट में आता है, और अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट को भी पूछेंगे तो वो जरूर बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम का सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। जैसे कि मान लो कि वो मैं बताता हूँ, उससे पहले ये है फैक्ट सही, जो हमारे साइंस ऑफ एजिंग होते हैं, जो बुढ़ापा जो साइंस हमारे शरीर में हमारे मुंह में दिखते हैं, 90% 90% तक सन डैमेज की वजह से भी होता है। और जो सन सन सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेस निकलती है, उससे उससे भी बहुत हमारे स्किन को नुकसान पहुंचता है। हम सोचते हैं कि आज तो धूप नहीं निकल रहा है तो सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर बादल भी है, आप सोच सकते हैं कि अगर रोशनी है तो आपको सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। तो घर पे यूज करनी चाहिए, यस, दिन में आप घर पे भी यूज कर सकते हो क्योंकि विंडो है तो उससे भी किरणें आती है, तो इसलिए आप यूज कर सकते हैं। रात को सोते समय आप नहीं करने की जरूरत नहीं है, जब रोशनी है तब आप यूज कीजिए। और जो सन प्रोटेक्शन जो सनस्क्रीन होता है वो एवरी 2 घंटे, अगर धूप में अगर आप 2 घंटे घूम रहे हो तो हर 2 घंटे में आपको रिप्लेनिश करना, वापस लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। और ये जो जो प्री मेच्योर एजिंग हो गया, ये सब सारे कारण जो जो होते हैं वो धूप से भी, धूप भी बहुत जो सनरेज होते हैं उससे बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। और ये जो हमारा जो सनस्क्रीन है ये मॉइस्चराइजर्स के साथ है और ये हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत काम आता है, और ये एंटी एजिंग के लिए भी। सो द नेक्स्ट जो है, जैसे कि हम SPF के बारे में देखते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे सनस्क्रीनों में आपने भी देखा होगा SPF, मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स होता है, और जितने प्लस जितने नंबर्स ज्यादा होते हैं उतना उनका प्रोटेक्शन लेवल हाई होता है, जैसे कि 15, 30 और 50। जो 15 जो होता है वो तकरीबन 93% प्रोटेक्ट करता है UVB रेस से, और 30 97%, और 50 जो 98% प्रोटेक्ट करता है। और जो दूसरा हमारा PA+ होता है, जो PA जो होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA रेस, एक होता है UVB और ये UVA रेस। तो ये जो है अगर आप देखोगे कोई किसी किसी में PA+ होता है, किसी में PA++ होता है, हमारे में PA++ है, 3+ है। आप देखते हैं PA+ मतलब 2 से 4 घंटे तक का प्रोटेक्शन, 2+ होता है तो 4 से 8 घंटे का, और 3 होता है तो 8 से ज्यादा घंटे तक का प्रोटेक्शन हमें देती है। अब देखते हैं कि UVB है और UVA रेस ये कितने हानिकारक है हमारे लिए। जैसे कि UVA रेस जो जो होता है जो हमारे एजिंग को ट्रिगर करती है, और ये हमारे स्किन के अंदर तक जाता है और डैमेज करता है, और ये PA जो प्लस प्लस होता है वो प्रोटेक्ट करता है, और ये जो UVB रेस होता है जब हम धूप में जाते हैं जो स्किन बर्न होता है वो UVB रेस की वजह से होता है, और ये हमारा जो SPF जो होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। अब आप देखिए थिंग्स टू रिमेम्बर जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं, बहुतों को मैंने देखा है ओह एटमी बड़े प्यार से कम कम लगाते हैं। एक्चुअली जो हमारे जो बहुत जो क्वालिटी के ही एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस है, इसलिए आप बेझिझक अच्छी तरह से यूज कीजिए इसको। जो सनस्क्रीन होता है वो कम यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। तो बाहर जाने से पहले 30 मिनट्स पहले आपको सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। जब आप लगाते हैं तो पूरा जो आपका मुंह जो है जब आप लगाओगे थोड़ा व्हाइट हो जाना चाहिए,
फिर आप 30 मिनट्स में वो अंदर सोख लेता है, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। जब आप ज्यादा लगाओगे तो आप सोचोगे कि अरे ये क्या हो गया, मेरा मुंह तो पूरा व्हाइट हो गया। नहीं, वो थोड़े देर में अपने आप सोख लेता है वो। और इसीलिए जब आप जब अंदर चला जाता है, जब 30 मिनट्स के बाद जब आप बाहर जाओगे तो वो अपना काम करता है। उससे पहले अगर आप निकल जाओगे तो उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा 30 मिनट्स पहले सनस्क्रीन को लगाइएगा। तो जो आज का जो सेशन है, जो हमने अभी किया है, पहले हमने क्या किया था कि अपना फेस को क्लीन किया था, राइट। उसके बाद हमने लगाए थे जो द फेम टोनर एसेंस आई क्रीम लोशन न्यूट्रिशन क्रीम। ये सब लगाने के बाद लास्ट स्टेप होता है सनस्क्रीन। जो भी आप स्किन रूटीन कर रहे हैं उसका अंत आप सनस्क्रीन से कीजिए, तभी प्रोटेक्शन मिलता है। हाँ, तो ये जो तीन चीजें हैं वो बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम मैं भी जल्दीबाजी में सनस्क्रीन लगा के आधे घंटा नहीं हुआ था निकल गया था। तो हमारा यहाँ तो हाई एल्टीट्यूड है तो सन रेज बहुत हार्ड पड़ता है, तो मैं मेरा ये क्लियर काला हो गया था ऐसे से। तो इसीलिए फिर मैंने बोला कि अरे ये सनस्क्रीन तो काम ही नहीं करता, ऐसा भी सोच सकता था, राइट। लेकिन असल में मेरे को खुद को पता था कि आधे घंटे नहीं हुए हैं, मैं ऐसे ही 5 मिनट में निकल गया था। तो इसलिए अगर प्रोडक्ट को काम करना है तो समय देना पड़ेगा, राइट। और एक जैसे कि हमारे जो लास्ट में ब्यूटीफुल स्किन रिक्वायर्स कमिटमेंट नॉट ए मिरेकल। अच्छे स्किन को पाने के लिए कमिटमेंट का जरूरत है, जादू से अच्छे स्किन नहीं मिलते। वैसे ही सक्सेस भी मेहनत करके मिलता है, वैसे ही स्किन भी, हमें अच्छी स्किन पाने तो हमें मेहनत करना पड़ेगा इसके ऊपर, राइट। अच्छे प्रोडक्ट तो एटमी ने हमारे लिए ला दी, लेकिन हम खुद ही नहीं लगाएंगे तो अच्छा स्किन कैसे मिलेगा। घर पे पड़े हैं लेकिन लेजी है, आलसी आ रहे हैं लगाने के लिए, तो अच्छा स्किन कैसे मिलेगा। और वो हम रियलाइज करते हैं 3 4 महीने 6 महीने के बाद, जब हम दूसरे को देखते, उन्होंने तो अच्छा से किया। तो इसीलिए अगर अच्छा स्किन पाना है तो हमारे पास जो बेहतरीन प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट ऑलरेडी है, तो उसको आप यूज कीजिए, अच्छी तरह से यूज कीजिए उसको। कैसे, और हर प्रोडक्ट का अपना अपना खासियत होता है, उसको आप जानिए। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि तीन तीन दिन आप उस पर गौर कर सकते हैं, और आप अपना जो स्किन रूटीन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये था मेरा जो प्रोडक्ट सेशन का। अब हम देखेंगे एटमी इंडिया के, एटमी शिलोंग होप सेंटर्स के मेंबर्स जो इन प्रोडक्ट्स को यूज किए हैं। क्षमा कीजिए, थोड़ा लाइट की दिक्कत हो गई थी। तो अब हम देखेंगे कि एटमी इंडिया के एटमी शिलोंग होप सेंटर्स मेंबर्स ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए, उनमें से जो वो अपने प्रोडक्ट टेस्टिमनीज को शेयर करेंगे। वीडियो इंग्लिश में है तो हम जब वीडियो को देख लेंगे तो अंत में मैं हमारे मेंबर्स ने क्या कहा था उसको मैं समराइज करूंगा हिंदी में। थैंक यू। Hello everyone, my name is Wartam Mashangvu. I'm from Imphal, Manipur. I'm really grateful to our Atomy India for giving me this wonderful platform to share my experience on some of the products that I've tried. I'll be sharing my experience on Atomy Sunscreen and the Evening Care 4 Set. Before I was using some other products and sometimes it irritates my skin or sometimes it is too oily and sticky. But this Atomy Sunscreen, I'm in love with this product because it hydrates and moisturizes my skin. And also I like this product because it comes with SPF 50 plus, which means it's good for our skin to protect our skin from all the harmful UV rays. And also it comes with PA plus plus plus, which means it lasts longer. And it works amazing for my skin.
and it's good for the men's skin. And coming back to Atomy Evening Care 4 Set, I've been using this product for quite a long time now. I use it twice a week, and I don't have to spend a lot of time or spend a lot of money going to parlor and clean my face. Since like from the first time you tried it, we can see a changes in our skin. It gives you a radiant skin and it makes your skin soft. And to those who haven't tried this product before, I would like you to try it and share your experience to others, because it's amazing and I love the products and you will love it too. Thank you so much. Bye. Hello everyone. My name is Mrs. Xenia Gangte. I have recently achieved sales mastership last month, that is June. Since the launch of Atomy in India, I have tried many of the products, and one of the products that I really, really, really love is the Atomy sunscreen. I have been using the beige one, and this is my second tube so far. The reason why I love this sunscreen is that, as you can see, I have an oily, acne-prone skin, and we have to choose a product wisely, because if it irritates your skin, you tend to have breakouts very easily. Then after I met the Atomy sunscreen, the breakout has been reduced, and the most important thing I love about this sunscreen is that it has a moisturizer in it, which doesn't make your skin look cakey, and it hydrates your skin most of the time. And my husband is among those who don't believe in any skincare routine. Then ever since I have introduced him this Atomy sunscreen, he don't go to work or go outside without applying this sunscreen on his skin. And I'm really grateful, very thankful to Atomy for all the amazing products that they have introduced to us. And also, I would like to take this opportunity to thank Atomy India for giving us this beautiful platform to share our beautiful experiences on Atomy products. Thank you so much. Hi everyone, my name is Kostelin Lingen and I'm from Shillong, Meghalaya. So today I'll be sharing my experience and testimony on using the Atomy Fame set. So here is the Fame. It comes in a box and it has like 5 products: toner, essence, lotion, eye cream, and nutrition cream. So I've been using this product for about like more than a year now, and I have received experienced a tremendous result using it. Before using Atomy the Fame, I have a combination skin, so I had a lot of issues going on, like discoloration, excessive tanning, and even if I go out for a couple of hours applying a lot of sunscreen, I'll still have like burns, like my skin become like thin and it get burns. And so when I wash my face and try to apply something, I really struggled with that because it was really painful. But after using the Fame set, I don't have those issues anymore. My skin become more healthier and it become more lively. And one more thing I would say is, as a student, I have issues with having a dark circles under my eyes, which as you can see now, I have little, but which it's not much anymore. So it really helped on reducing that one. And plus the discoloration, as I was talking before, as you can see it in the screen, like I don't have that discoloration of my skin with my neck, my forehead, my cheeks and all anymore. So I'm really happy about it, I would say. So, and one more thing is that whenever I apply a foundation or a kind of like a light makeup, I would say, I feel that my skin, as it become more healthy, it blends much, much better. And I don't have that cakey effect that previously I used to have.
and it gives me more like natural looking skin, even if I apply a foundation or any sort of things. So that is what I have experienced by using all these products. And you know, at the end of the day, I would say, like, when I wash my face and I look myself in the mirror without applying any products yet, I can literally see the changes that it has, like, the changes which had happened to my skin. Like, it become much more healthier and I feel more beautiful, I would say. And I believe and I recommend that whoever watching my testimony sharing today, that please try the theme set. You will not regret, because I've been using it for more than a year now and it has given me a tremendous result. And it will, I would say that it will make you feel more beautiful, because it will make your skin healthy and you'll feel more happy. You know, when our skin is healthy, we feel more happy. So I guarantee you that you will not be disappointed. So that's all I would like to share. Thank you so much. Hi, good afternoon, everyone. This is Pamyapi Shatsang from Ukraine, Manipur. Today, I would like to speak about sunscreen and shampoo and conditioner. Like, when I first joined Atomy India, I started using this for the first time. So it gave me a good result, like glow, and it stick on my face. Whenever I go out, I apply this, and like it doesn't flow down or sweating like that, but it stick on my face for the long time. So whenever I suggest any of one, I first started suggesting this sunscreen and other products to my member. So secondly, I would like to suggest this shampoo conditioner. So this is like not like other brand. Give me smooth and silky hair, and it's really good. Like it's make of herbal. So it's not like, it doesn't have any side effects. So whenever you have frizzy hair or split ends problem, you can try using this herbal shampoo and conditioner. It will give you amazing results. So according to me, after joining this Atomy, all the products are like very good, absolute price and absolute quality. Bye, everyone. बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा. अब मैं जो हमारे मेंबर्स ने शेयर किए हैं उसको मैं हिंदी में समराइज करता हूँ. जो सबसे पहला जो वीडियो था क्षमा कीजिएगा, आज थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आ रही है. तो जो जो पहला वीडियो था वह मिस्टर वर्टम मशंगबू, वह इम्फाल मणिपुर से हैं. वह धन्यवाद करते हैं एटमी इंडिया को कि उन्हें मौका दिया प्रोडक्ट एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. वह पहले दूसरे प्रोडक्ट भी यूज करते थे, लेकिन जब उन्होंने एटमी सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया तो उन्हें एटमी सनस्क्रीन से प्यार हो गया. जैसे कि एटमी सनस्क्रीन मॉइस्चराइज करता है और SPF और भी A++ के साथ है, तो बहुत अच्छा सन प्रोटेक्शन देता है. और वो एटमी इवनिंग केयर को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करते हैं. पार्लर जाने से अच्छा वो घर पे पार्लर जाने से पैसे और वक्त बर्बाद हो जाता है, तो अब एटमी इवनिंग केयर की वजह से उनके पैसे और वक्त भी बच जाते हैं. पहले ही यूज में उनको रिजल्ट आने शुरू हो गए थे. वह सबसे निवेदन करते हैं कि अगर
आपने यूज नहीं किया है तो ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस को दूसरे के साथ शेयर करें। तो ये था पहला वीडियो। दूसरा वीडियो था हमारे सेल्स मास्टर मिसेस जिनिया गांगते का। वो है पिछले महीने जून में सेल्स मास्टर बनी थी और वह एटमी सनस्क्रीन को बहुत पसंद करती है। इसका कारण है कि उसकी उनके ऑयली स्किन और एक्नी स्किन है और ऐसे स्किन के लिए अच्छा प्रोडक्ट को चूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्किन ब्रेकआउट नहीं तो की हो जाता है। जब उन्होंने एटमी सनस्क्रीन को यूज किया तो उनको ब्रेकआउट जैसे समस्याएं नहीं हुई और स्किन को मॉइस्चर और हाइड्रेट मिला। और उनका हस्बैंड उनमें से है जो स्किन के रूटीन को स्किन के रूटीन पे भरोसा नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने ये एटमी सनस्क्रीन को इंट्रोड्यूस किया अब वो ऑफिस जाने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगा के जाते, नहीं तो नहीं निकलते घर के बाहर। तो ये एटमी का वो एटमी का बहुत बहुत आभारी है कि एटमी ने इतने शानदार प्रोडक्ट हमारे लिए बनाए और इंट्रोड्यूस किया। और वह एटमी इंडिया का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने बड़े मंच में उनको मौका मिला, उनको मौका दिया कि वो अपने प्रोडक्ट एक्सपीरियंस शेयर करें। और जो हमारे तीसरे मेंबर्स थे जिन्होंने फेम के बारे में शेयर किया था, वह उनका नाम है मिस कौसलिन लेनगन। वह शिलोंग मेघालय से है। उन्होंने एटमी द फेम सेट को लगभग एक साल से ऊपर तक इस्तेमाल किया है और उनको रिजल्ट्स अच्छा मिला है, बहुत अच्छा मिला है। उनका जो है कॉम्बिनेशन स्किन और वेरी सेंसिटिव स्किन होने के कारण बहुत सारे स्किन इश्यूज होते हैं, लेकिन जब एटमी द फेम यूज करने के बाद उनको ये सब इश्यूज नहीं हुआ। वो एक स्टूडेंट है तो रात को देर देर तक जितना पड़ता है डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, लेकिन अभी वो डार्क सर्कल्स भी गायब हो गए, बहुत अब दिखता भी नहीं उनके फेस में। और जो ये एटमी द फेम यूज करने के बाद उनका जो नेचुरल जो ये नेचुरल लुक देता है, और जब वो जो फाउंडेशन हो गया थोड़े लाइट मेकअप लगाते हैं तो वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाते हैं। और वह सबसे निवेदन करती है कि अगर आप अपने आप नहीं यूज किया है तो आप यूज कीजिए, क्योंकि एक हेल्दी त्वचा और ब्यूटीफुल लुक पाइए, क्योंकि जब हमारी त्वचा हेल्दी होती है और अच्छा दिखता है तो हम भी खुश रहते हैं, राइट। तो हमारे लास्ट के जो मेंबर्स मेंबर ने शेयर किया है उनका नाम है मिसेस पम्याफी सत्सांग। वो उखरुल मणिपुर से है। उन्होंने एटमी सनस्क्रीन हर्बल शैम्पू और हर्बल कंडीशनर के बारे में अपना प्रोडक्ट का टेस्टिमनी शेयर किया है। वह उनका उनको बहुत अच्छा लगा और उसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा मिला है उनको। जब भी वह बाहर जाती है तो एटमी सनस्क्रीन को लगाती है और जब वह धूप में निकलती है पसीना निकलती है तब भी हम उनकी एटमी सनस्क्रीन हमेशा उनके फेस में बने रहता है। तो ये बात भी उनको बहुत अच्छी लगी। और वह नए मेंबर्स को सनस्क्रीन से इंट्रोड्यूस करते हैं, बताते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी। उन्होंने हर्बल शैम्पू और हर्बल कंडीशनर को भी इस्तेमाल किया है। बोला कि जैसे कि बालों की जो समस्या होती है, स्प्लिटेंस होती है, फिजी हेयर्स होती है, वो सब भी ठीक हुए हैं ये यूज करने के बाद। तो जो एटमी के सारे एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट, एब्सोल्यूट प्राइस प्रोडक्ट, उनको बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। धन्यवाद। ये था हमारे मेंबर्स का प्रोडक्ट टेस्टिमनी है और उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा। फिर से एटमी इंडिया और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे और मेरे सेंटेंस मेंबर्स को मौका दिया और आप सब ने हमें सुना। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए और हर पल को एटमी के साथ मिलके संजोइए। धन्यवाद।